हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि होने वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? बट उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप हमारे चैनल पे आकर के अगर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिए आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो एमकॉम वाले प्लान में, और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो बीकॉम वाले प्लान में जाकर के आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको असाइनमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, एक रुपए भी उसके लिए पेमेंट नहीं करना होगा। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा ऑल द टाइम, एंड एग्जामिनेशन के नोट्स जो होते हैं, जो एग्जामिनेशन को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नोट्स तो हमारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हमारे तरफ से जो सजेशंस होते हैं, जो पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी चीजें जो है यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगी, अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है ना? तो ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलेंगी। साथ ही साथ मैं बताता चलूं, यहाँ देखो प्लेलिस्ट बना हुआ है इग्नू एमकॉम, हमारे चैनल पे आपको विजिट करना है, जिसका नाम है कॉमर्स ई पाठशाला। आपको हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा इग्नू एमकॉम बोल करके, जहाँ पे आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और ये वीडियोस कोई ऐसे वैसे वीडियोस नहीं है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। तो सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखना, आपके एग्जाम्स डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए फिर आज का टॉपिक कर लेते हैं, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों में क्या अंतर होता है, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा जी। तो ये हमारा टॉपिक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइज इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर लॉ गवर्निंग द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो जो मेजर डिस्टिंक्शन है इन दोनों में, एक तो है डोमेस्टिक और एक है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। डोमेस्टिक मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके कंट्री के अंदर में काम कर रहा है, और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंट्री के बाहर किसी फॉरेन एनवायरमेंट में, फॉरेन जमीन पर जो है वो काम करेगा। तो दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। तो ये जो मेजर डिस्टिंक्शन है वो होता है लॉ के बेसिस पे, कि जो लॉ होता है, जो कानून होता है, वो दोनों के केस में बहुत ही डिफरेंट होता है, वो बात यहाँ पे बोली गई है। दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट को मैं थोड़ा सा दाग लगा देता हूँ, ये देखो प्रॉपर लॉ गवर्निंग, है ना? ये जो लॉ है यही इसको मेजरली डिस्टिंक्ट करता है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज द प्रॉपर लॉ विल ऑलवेज बी द इंडियन लॉ इन इंडिया, है ना? तो अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट आप अगर साइन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इंडियन लॉ को फॉलो करना है। तो डोमेस्टिक केसेस में, डोमेस्टिकली जब आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। बट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट a contract outside of your country, है ना? जब आप contract की बात करते हो जो कि आपके country के बाहर है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है ना? It will be respective national laws in each country so far as their domestic transactions are concerned, है ना? तो वही बात बोली गई कि जब आप किसी कंट्री के विदिन अगर आप काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें वो जो कंट्री होगी उसका जो नियम होगा वो चलेगा, है ना? बट इन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, लेकिन जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होंगे वहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सपोज इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया के अपने लॉ है, यूएस के अपने लॉ है, है ना? तो उस केस में ये जो दोनों के जो लॉ होंगे उसको एक तरीके से ध्यान में रख करके आपको काम करना होगा। दैट ऑफ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, वही बात यहाँ पे बोली गई कि जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ पे दो लोग होते हैं, वहाँ पे एक एक्सपोर्टर होता है, दूसरा इम्पोर्टर होता है। देयर फॉर द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है कि विच कंट्रीज लॉ विल अप्लाई टू एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। कि जब भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाएगी तो किस कंट्री का लॉ जो है वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्री हो जा रही है, है ना? Now, this is very complex problem, but the principle generally followed is that the parties to contract may agree mutually about the applicability of a particular country's law. तो यहाँ पे generally क्या होता है कि दो parties जो होती है वो आपस में मिलकर के decide करती हैं कि ठीक है, हम आपके law के according जो है काम करेंगे। Suppose India और US ने साथ में मिलकर के decide करा, US ने कहा कि ठीक है, जो Indian company का law है हम उसके according जो है
कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और उसी को हम लोग म्यूचुअली आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको दूर करने के लिए, है ना, जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रॉब्लम की उसको दूर करने के लिए दो कंट्री आपस में म्यूचुअली जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लॉ के बारे में, है ना। द कंट्री इज चूजन मस्ट बी ईदर दैट ऑफ द एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर। अब यहाँ पे जो लॉ है वो या तो एक्सपोर्टर का होगा या तो इम्पोर्टर का होगा, किसी एक को आपको जो है अप्लाई करना होगा, दोनों को नहीं कर सकते। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में अ थर्ड कंट्रीज लॉ मे बी चूजन प्रोवाइडेड दैट द कंट्री हैज नथिंग टू डू विद इट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन यहाँ पे बोला जा रहा है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में जहां पे एक कंट्री को तीसरे कंट्री का जो लॉ है उसको अपनाना पड़ता है। सपोज इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड हो रहा है बट दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, प्लस जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस केस में आप सपोज चाइना एक कंट्री है जो कि उस प्रोडक्ट में डील करती है, तो दोनों ने मिलकर के साथ में डिसाइड कर लिया कि इंडिया एंड यूएस ने कि चलो इस वाले प्रोडक्ट के लिए या फिर इस वाले कंसाइनमेंट के लिए हम चाइना का जो लॉ है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि यहाँ पे थर्ड कंट्री का जो लॉ है उसको भी चूज किया जा सकता है किसी यू नो स्पेशल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट के तहत। फॉर एग्जांपल दैट मे बी द कंट्री वेयर द गुड्स विल बी री एक्सपोर्टेड बाय द इंपोर्टर सब्सिक्वेंटली ओनली व्हेन द पार्टीज फेल टू मेंशन द एप्लीकेबल लॉ एंड द डिस्प्यूट अराइजेस लेटर ऑन द कोर्ट विल डिसाइड व्हिच लॉ शुड अप्लाई, है ना। एक बात यहाँ पे और बोली गई कि सपोज आप बार बार एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी एक कंट्री को, इंपोर्ट भी कर रहे हो, बहुत ही कॉन्टिन्यूस वे में चीजें चल रही हैं और किसी एक टाइम पे आकर के, तो यहाँ पे देखो लॉ का इस्तेमाल उतना होता नहीं है क्योंकि चीजें जो है बहुत ही स्मूथली चल रही है, लेकिन जब प्रॉब्लम कब होता है जब आप फेल कर जाते हो किसी यू नो कमिटमेंट को पूरा करने में। तो जब यहाँ पे पार्टी फेल कर रही है एप्लीकेबल लॉ को लगाने में या फिर उसको काम करने में, तो जो कोर्ट होती है वो डिसाइड करती है कि किस लॉ को यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर या फिर किसी थर्ड पार्टी का, है ना। जो आखिरी पैराग्राफ है उसको भी कर लेते हैं। ईच कंट्रीज लॉ हैज डेवलप्ड अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच द कोर्ट कंसीडर्स व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द इशू, है ना। तो हर एक कंट्री का अपना अपना लॉ होता है भाई, तो जब भी कोई सिचुएशन वैसा आता है तो कंट्री का जो कोर्ट है वो उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेती है। दिस इज कॉमनली नोन एज कंफ्लिक्ट्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज, है ना, कि जो कानून है उसके बीच में कंफ्लिक्ट है, एक कानून कह रहा है कि चलो ऐसा होगा, एक कानून कह रहा है कि चलो वैसा होगा, तो दोनों केस में क्या होगा, कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि किसका कानून को माना जाए। सम ऑफ द फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय द कोर्ट्स आर, अब यहाँ पे केस जो है वो कोर्ट में चला गया, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोर्ट जो है कंसिडर करेगा, वो ये होता है कि द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। सपोज इंडिया यूएस के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है लेकिन उसका जो जो साइनिंग है, जो जो साइन किया गया था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो एमओयू किया गया था वो इंडिया में किया गया था, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि चलो इंडिया यूएस का ट्रेड है, लॉ तो दोनों के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम चाइना इंडिया को ज्यादा यू नो अपर हैंड देंगे क्योंकि लॉ जो है जो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया में साइन हुआ है, तो किस जगह पे साइन हुआ है ना, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टीज, किस जगह पे ये बिजनेस जो है ट्रेड हो रहा है। However, these days the courts normally identify as proper law, है ना? अभी के टाइम पे कोर्ट जो होती है प्रॉपर लॉ के नाम पर कुछ कुछ चीजों को यू नो अप्लाई करती है हर एक तरह के यू नो केसेस में। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉ एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा एज एंड वन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी कैरिड आउट टू द प्लेस वेयर द डिलीवरी इज टू बी टेकन प्लेस, है ना। तो कहाँ पे प्रोडक्ट जो है पहुंचाया जाएगा या फिर कहाँ पे उसकी डिलीवरी ली जाएगी, वहां का जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग से जो है लॉ को बनाया जाता है या फिर उसके अकॉर्डिंग से जो है यू नो डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसको हम लोग प्रॉपर लॉ कहते हैं, जिसको एक तरीके से नया टर्म भी दिया गया है बाय द कोर्ट्स, राइट। सिंस इन मोस्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन डिलीवरी इज मेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री, नॉर्मली वेन द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन द कैरियर इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री द एप्लीकेबल लॉ बिकम्स द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लॉ, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, डिलीवरी इज मेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री, जब आप डिलीवरी कर रहे हो अपने सामान को तो एक्सपोर्टर की कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है और जाकर के वो कहीं पे वो डिलीवर हो रहा है ना, तो जो सामान है वो तो भाई एक्सपोर्टर की कंट्री का है, तो जो लॉ है वो भी एक्सपोर्टर की कंट्री का लॉ ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ऐसा लोगों का कहना है, कोर्ट का कहना है, है ना। तो जब भी हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टिंक्शन क्या है डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर आपको ये बताना है, ठीक ना। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जिसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आपको हमारे एमकॉम प्लान में जाकर के यहाँ पे मोर अबाउट पक्स में जाना है और जैसे ही आप इस प्लान को ज्वाइन कर लेंगे आपको इस व्हाट्सएप वाले जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है और हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जहाँ पे आपको हर एक तरह की जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी
हर एक तरह की, मतलब आपको एडमिशन कब कराना है, आपको फॉर्म फिलअप कब कराना है, आपको कितने मार्क्स चाहिए, असाइनमेंट का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे चेक करोगे, हर एक तरह की जानकारी जो है आपको इंडिविजुअली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल की तरफ से। तो प्लीज हमारे प्लान को ज्वाइन कर लो क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।